दोस्तों, मेरे वीडियोस थोड़े लंबे होते हैं। मैं समझता हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, मगर दोस्तों मैं वो बातें आपके साथ शेयर करता हूँ जो बात आज तक आपके साथ किसी ने शेयर नहीं की है या तो आपको बताई नहीं है, वो सभी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा छोटा प्रयास रहता है कि आपको सृष्टि की ओर ले जाऊँ। हम मंदिर जाना भूल गए हैं, मंदिर ले जाओ, पेड़ पौधों की सेवा करना भूल गए हैं, पेड़ पौधों की सेवा करवाऊँ। दोस्तों, मेरा थोड़ा भी प्रयास नहीं रहता है कि आपको अंधश्रद्धा की ओर ले जाऊं। दोस्तों, जो रास्ते पे चलने की बात मैं करता हूं, वो रास्ते आपके लिए, आपके परिवार के लिए, वो रास्ते पे सुख समृद्धि सफलता, वो रास्ते पे है, वो रास्ते पे चलने की बात करता हूँ। दोस्तों, आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, आप मुझे कॉल करें, आपकी समस्या नोट कर लूँगा वीडियो के माध्यम से, मैं आपको उपाय अवश्य बताऊँगा। दोस्तों, मैंने मेरे कई वीडियोस में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किए हैं, मगर आज भी कमेंट आती है कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए। दूसरी बात दोस्तों, मैं उपाय शेयर कर देता हूँ यहाँ से आज ही, आज भी बेनर्जी साहब का, रणजीत बेनर्जी बंगाल से फोन आया था कि मेरा उपाय आपने शेयर किया कि नहीं। उनका उपाय मैंने 2 दिन पहले शेयर कर दिया था। छोटी अपेक्षा रखता हूँ, आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, कोई कमेंट करता है, कोई अपनी समस्या बताता है, उनका उपाय मैं शेयर करता हूँ। हो सकता है शायद आपके जीवन में भी ऐसी समस्या हो। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ते, वक्त नहीं बिगाड़ते, देख लेते हैं कल की, परसों अनीता शौकीन, बहुत दिनों पहले फोन कॉल आया था, अनीता शौकीन दिल्ली से, बहन की बेटी की शादी में बाधाएं आ रही है, भतीजा नशा करता है, घर में भी थोड़ी तकलीफ है। अनीता जी, आप अपना उपाय नोट कर ले। पहले आपके स्नान के पानी में जो आपके काम में बाधाएं आ रही है, जो रुकावटें आ रही है, आपके काम बनते नहीं हैं, ये जो उपाय बताता हूँ वो उपाय आप हर दिन करेंगी। बहन की बेटी के भी उपाय बताऊंगा और भतीजे के लिए भी उपाय बताऊंगा। फिटकरी का टुकड़े को फिटकरी के टुकड़े को कूट लीजिए, पाउडर कर दीजिए। जितना पाउडर फिटकरी का किया है उतना ही उसमें नमक, रसोई घर में से लेकर नमक उसमें डाल दें, एक कांच की बोतल में भर के रख दें। हर दिन स्नान के पानी में 2 चुटकी फिटकरी और नमक का पाउडर डाल के वो पानी से आप स्नान करें। हर दिन घर में थोड़ा कपूर जलाए, कपूर जलने लगे बाद में ऊपर गूगल गूगल का एक टुकड़ा रखे, छोटा गूगल जलाए, गूगल भी जलने लगे बाद में इलायची को तोड़ दे,
इलायची के बीज निकाले अंदर से। वो इलायची गूगल के साथ में जलानी है आपको। ये प्रयोग आप हर दिन करेंगे, गूगल कपूर और इलायची सुबह और शाम दोनों वक्त आपको घर में जलानी है। बहन की बेटी की शादी में बाधा आ रही है। जो भी भाई बहन की शादी में बाधाएं आ रही है, खास करके बेटी की शादी में जिसको भी बाधाएं आ रही है, उपाय नोट कर ले। चावल ले, मसूर की दाल, जितने चावल लेते हैं उतनी मसूर की दाल ले, दोनों को पीस ले। अंदर आधी चम्मच हल्दी डाले, अच्छी तरह से मिला दे, एक डिब्बे में भर के रख दे। स्नान करने से पहले उसमें थोड़ा दूध डाल के पेस्ट बनाए, 2 चम्मच ये पाउडर निकाल के 1 चम्मच दूध डाले, पेस्ट बनाए, अच्छी तरह से अपने हाथ मुंह शरीर के ऊपर रगड़े, बाद में स्नान कर ले। बेटी का सर, बेटी जहाँ सोती है वहाँ बेटी का सर नॉर्थ वेस्ट वायु कोण, उत्तर पश्चिम की दिशा के कोने में, वायु कोण के कोने में बेटी का सर रखे। अगर ये संभव नहीं है तो बेटी की एक छोटी तस्वीर वायु कोण में आप रख दें। भतीजा नशा करता है, आप कोई अच्छे डॉक्टर से मिले, ट्रीटमेंट करवाए कोई डॉक्टर की। बहुत से ऐसे सोसाइटी में बहुत से लोग ये सेवा करते हैं, ऐसी हॉस्पिटलें चलती हैं जहाँ नशा छुड़वाने का प्रयास होता है डॉक्टर लोगों के द्वारा। बच्चे को समझाइए आप, थोड़ा साथ में ये उपाय करें। एक गिलास में या तो कॉपर के कलश में, पीतल के कलश में, लोहे का बर्तन ना ले। कॉपर है, पीतल है, या तो कांच है। गायत्री मंत्र की माला करनी है आपको। बर्तन में पानी भर के रखे, कॉपर का है, पीतल का है, या तो कांच का है, पानी भर के रखे, एक दीपक जलाए, गायत्री मंत्र की माला करें। गायत्री मंत्र नहीं जानते हैं तो गायत्री चालीसा का पाठ करें। बाद में वो पानी को परिवार के सभी लोग जिस बर्तन में से पानी पीते हैं वो बर्तन में ये पानी डाल दे। आपने रसोई घर में जहाँ बर्तन रखा है कि परिवार के सभी लोग जहाँ से पानी पीते हैं वो पानी में, वो कलश जो आपने पानी भर के रखा था, ये प्रयोग आप हर दिन करेंगे। ये आपका भतीजा नशा करता है तो भतीजा की मम्मी पापा जो भी है ये प्रयोग करेंगे। दूसरी कमेंट थी सुनील कुमार कलकत्ता से। रियल एस्टेट का कामकाज है, सभी काम में बाधाएं आती है, रियल एस्टेट का कामकाज ठीक से चल नहीं रहा है पिछले कई सालों से। दूसरे का काम अच्छी तरह से चलता है, मेरा ही काम ठीक से नहीं चलता है। सुनील जी आप उपाय नोट कर लें। काले तिल और काली उड़द की दाल पीस ले, कपूर जलाए। दोस्तों मैं बहुत से वीडियोस में जो उपाय देता हूँ उसमें कुछ चीज़ें जलाने की बात करता हूँ, तो वो चीज़ों जलाने से, यज्ञ करने से, उनसे जुड़े ग्रह शांत हो जाते हैं। वो चीज़ से जो ग्रह जुड़ा है वो शांत हो जाते हैं, आपके जीवन में वो ग्रह की शुभ दृष्टि बननी चालू हो जाती है।
इसलिए मैं ये सभी चीज ये यज्ञ करवाता हूं आपके पास में। हर दिन सूर्यास्त के बाद कपूर जलाए, कपूर जलने लगे बाद में काले तिल और काली उड़द की दाल है जो, उसे पीस ले, पाउडर कर ले। कपूर जलने लगे बाद में एक चुटकी, दो चुटकी, तीन चुटकी अंदर डाल के आप हर दिन जलाए। सूर्यास्त के बाद इसका धुआं आपके घर में बताए, आपकी पूजा कक्ष में इसे जलाए। लाल मिट्टी कहीं से भी आपको ढूंढनी है, लाल मिट्टी। लाल मिट्टी ना मिले तो लाल ईंट का छोटा टुकड़ा अब घर ले आए, पानी से साफ कर ले पहले अच्छी तरह से, सूख जाए बाद में कूट के पाउडर बना ले। मसूर की दाल का पाउडर बना ले, बाद में हर दिन सुबह स्नान करे तब ये जो लाल मिट्टी है और मसूर की दाल दोनों आपने मिला के रखी है आपके शरीर के ऊपर रगड़े, बाद में आप स्नान करें। आपका शनि और मंगल, पहले जो उपाय दिया उसमें शनि, दूसरा उपाय मंगल, दोनों ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। हर दिन हो सके तो हर दिन स्नान करके ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः की माला करें। सुनील जी, अनीता जी, अपेक्षा रखता हूँ वीडियो देखने के बाद, आपके उपाय देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख के मुझे कमेंट अवश्य करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ मुकेश जानी, मेरी चैनल पे आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी के लिए शुभकामना, शुभेच्छा, भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, आज जो उपाय आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो उपाय से आपके जीवन में कैसा भी कष्ट है, कैसा भी दुख है, कैसी भी परेशानियाँ हैं, आप कर्ज में डूब गए हैं, आपके हर काम में बाधाएं आ रही है, दोस्तों सभी कष्ट, सभी दुख यूं चुटकियों में दूर हो जाएंगे। दोस्तों ये उपाय करेंगे आप हर शनिवार के दिन और लगातार करते जाएंगे, जब तक आपके जीवन में जो कष्ट है, जो बाधाएं आ रही है वो दूर न हो जाए तब तक। दोस्तों नम्र निवेदन, वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे, वीडियो को काट काट के ना देखें। चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाली ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सके। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में बिना भूले जय श्री राम अवश्य लिखें, जय श्री राम लिखना ना भूले। अगर आप मुझे गाली देते हैं तो गाली लिखने के बाद जय श्री राम अवश्य लिखे। दोस्तों कुछ ऐसी कमेंट आती है, थोड़ा दुख होता है, कोई बात नहीं, कमेंट करने वाले करते हैं। दोस्तों आपके जीवन में कोई समस्या है आप मुझे कॉल करेंगे, आप मेरा कॉल नंबर नोट कर ले, सुबह 9 से 10 के बीच और रात को 9 से 10 के बीच, बाद में कॉल उठाएगा नहीं। एसी बंद पड़ा है, वैसे चालू है मगर ठंडा नहीं होता है, एसी बंद है, फैन पंखा चालू कर नहीं सकता हूँ, आवाज़
ठीक से निकलेगी नहीं, आएगी नहीं। पंखा डिस्टर्ब करता है वीडियो बनाने में, और एसी बंद है थोड़े दिनों से, मैकेनिक आता नहीं है, इसलिए थोड़ा पसीना आ जाता है। 9624981826। सही में आपके जीवन में समस्या है तो ही आप मुझे कॉल करेंगे, फालतू के कॉल नहीं करेंगे। फालतू के बहुत कॉल आते हैं। बच्चे को 3 दिन से भी बुखार आ रहा है, डॉक्टर को बताओ, सीजन ऐसी है, कोई जगह पे बारिश हो रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है, मौसम में बदलाव आ रहा है, तो बच्चे को बुखार आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जाओ, इसमें कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों 21 लोंग की आप माला बनाए, कोई भी धागे में, सफेद धागे में, लाल धागे में, पीले धागे में, मैंने यहाँ मोली के धागे में आपको दिखाने के लिए माला बनाई है। 21 लोंग की आप माला बनाए, ये माला हर शनिवार के दिन आप बजरंग बली के मंदिर में जाए, बजरंग बली को चढ़ानी है ये माला। कुछ कमेंट मैंने पढ़ी थी कि हमको मंदिर में अंदर नहीं जाने देते हैं, तो आप वहाँ पुजारी रहते हैं उनको बोल दे चढ़ा दे, चढ़ा नहीं सकते है तो बजरंग बली की चरणों में रख दे, बाद में दो हाथ जोड़ के खड़े रहे आंख बंद करके राम नाम की माला करे, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, बजरंग बली को प्रार्थना करे, हे महावीर मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझ पर दया करें, आप ही मेरे कष्ट दूर करेंगे, आप ही मेरे दुख दूर करेंगे, आप ही मुझे कर से मुक्ति दिलवाएंगे। जो भी आपकी समस्या है मन ही मन बजरंग बली को बताए। दोस्तों इस संसार का एक भी ऐसा काम नहीं है, एक भी ऐसी समस्या नहीं है जो वीर हनुमान दूर ना कर सके। जरूरत है श्रद्धा, विश्वास और आस्था की। बस दोस्तों आज यहीं पे मेरी बात को विराम देता हूँ। वीडियो के अंत तक आप सभी मेरे साथ बने रहे, आप सभी भाई बहनों का शुक्रिया, धन्यवाद, वंदे मातरम।